ग्रामी अस्सलाम वालेकुम, एसएस पंजाब यूट्यूब चैनल में आप लोगों को खुश आमदीद। ये गांव का लड़का अपनी गधा गाड़ी पे जानवरों के लिए चारा लेके आ रहा है जनाब। ये खूबसूरत भेड़ बकरियां घास चर रही हैं जनाब। चलते हैं इस नन्हे चरवाही की तरफ और इससे पूछते हैं कि इसकी जिंदगी कैसे गुजर रही है। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल बेटा? क्या नाम है आपका? क्या आपकी भेड़ बकरी हैं? तो इनको सारा दिन चराते हो? कितनी है? तो कुत्ता भी आपका है? स्कूल नहीं जाते? कितनी है ये आपकी, कितनी भेड़ बकरियां? तो बकरियां दूध देती हैं? बच्चे भी हैं इनके? बहुत खूबसूरत हैं। तो ये एक भेड़ कितने की है? ये भेड़ कितने की है? ये वो बकरी ये देसी है? और इधर इन गांव के लड़कों ने अपनी भैंसों को खेतों में छोड़ रखा है जनाब। इनकी भैंसें यहाँ घास चर रही हैं। तो यहाँ जनूबी पंजाब के लोग ज़्यादातर भेड़ बकरियाँ गाय भैंस से पालते हैं और इन्हीं से अपना ज़रिया आमदनी हासिल करते हैं। और साथ में ये ज्वार के चारे के खेत हैं, ये जानवर बड़े शौक से खाते हैं। तो इस बच्चे की मस्ती देखें जनाब, भैंसे भी चरा रहा है और साथ में डांस भी कर रहा है। तो यही है गांव के लोगों की सादा और खूबसूरत ज़िंदगी जनाब। और इस फनी चाचा का काम देखें जनाब, आज ये अपनी भैंसों को नहर पर नहीं लेके गया और घर में ही नहला रहा है। इसका कुल असासा यही दो भैंसें हैं और दिन रात ये इनकी खिदमत में लगा रहता है। तो मौजूद नाजरीन वो पंजाबी में कह रहा है कि मुझे अपनी भैंसों को अच्छे तरीके से नहलाने दो, इनको मेकअप वगैरह सुर्खी वगैरह जो है ना लगाने दो। अब उसको ये फिक्र है कि YouTube पर मेरी भैंसें जो है ना मैली कुचैली नज़र आएंगी, तो इसीलिए मुझसे कह रहा है कि हमें जो है ना अच्छे तरीके से इनकी सफाई करने दो ताकि मेरी भैंसें खूब चमकदार नज़र आएँ। तो इस बंदे को अपनी भैंसों से बहुत प्यार है जनाब। ये कभी नहर पर लेके जाता है, कभी घर में नहलाता है। तो इनके लिए घास भी बड़ा साफ़ सुथरा बहुत बेहतरीन लेके आता है। तो इसके घास लाने की वीडियो भी आपको दिखाएंगे। तो बहुत नाइस बंदा है ये। तो ये देसी मुर्गियाँ देखें जनाब, अभी फुल मुर्गियाँ तो नहीं है, मुर्गियों के बच्चे हैं। तो ये देसी मुर्गियाँ हैं, घास वगैरह खा के अपना पेट भर रही हैं, इधर उधर घूम रही हैं। तो इन देसी मुर्गियों पर वीडियो को लाइक कर दें। तो आगे चलते हैं नाजरीन ग्रामी, आपको पंजाब के रोड के मंजर दिखाते हैं। आसमान पर गहरे बादल छाए हुए हैं, कहीं कहीं बादल हैं, कहीं कहीं नीला आसमान नज़र आ रहा है। तो बहुत ही प्यारे मंजर हैं जनाब। तो इस कुदरती खूबसूरती पे एक लाइक तो बनता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लाइक करने से आपका बिल्कुल भी कोई ख़र्चा नहीं आएगा, लेकिन हमारी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई हो जाएगी। और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करते चलें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की इतला एक खुदकार निज़ाम के तहत फ़ौरन आप तक पहुँच सके।
तो जी हाँ जनाब, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में मौजूद घंटी के बटन को ऑल पर प्रेस कर दें। तो अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जल्द मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।